हेलो एवरीवन, सो आज हम फिर से मिल रहे हैं हमारे एक और न्यू व्लॉग के लिए। और आज का जो व्लॉग है वो है हमारा ये जो न्यू कैमरा है इसका टेस्टिंग का। तो एक मैंने जब लाया था तब वो टाइम पर तो ये आप वो आपको तो बता दिया, बट अभी इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है वो मैंने 3-4 दिन में पूरा छान लिया है। तो बस वो फ़ीचर्स है तो उन्हीं को टेस्ट करने के लिए आज हम लोग लोकेशन पे आए। अच्छा लोकेशन ढूंढा है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और ये जगह हमेशा अच्छी होती है। और ये आपके फ़ोटोशूट के लिए या तो अगर आपको कुछ भी नया कैमरा टेस्ट करना है तो उसके लिए इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये देखो, ये जगह यहाँ पर देखो, तो इतना अच्छा जगह है तो यहाँ पर टेस्ट करेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स है तो वो देखते हैं। और यहाँ पर बनाते हैं कुछ अच्छे शूट्स करते हैं, फिर देखो आप आगे। सो सबसे जो इस कैमरा में सबसे अच्छा जो एक फंक्शन है वो है RockSteady मोड। RockSteady मीन्स इसमें आपको थोड़ा भी, अगर आप पहले जो मेरे पास कैमरा था उसमें कैसा स्टेबलाइजेशन नहीं रहता था, अगर कहीं पे रन कर रहे या वॉक कर रहे हैं तो वो टाइम पे इमेज बहुत हिलता था, मतलब वीडियो है वो थोड़ा सेक होता था, सेकी होता था। अभी देखो मैं इतना हिल रहा हूँ, पहले मैं इतना भी हिलता था तो वो दूसरे वाले कैम में पता चल जाता है, बट इसमें नहीं पता चलता है। और उसका एक एग्जांपल देखो मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर सीढ़ियाँ है पूरा नीचे उतरने के लिए, मैं यहाँ से एकदम फास्ट में उतरूँगा, फिर भी थोड़ा भी देखना, थोड़ा भी ये सेक नहीं करेगा और आराम से जाएगा। देखो देखो मैं एकदम फास्ट यहाँ से रन करके उतर रहा हूँ तो भी वीडियो थोड़ा भी सेक नहीं कर रहा है। तो ये RockSteady मोड की वजह से ये, तो ये एक इसमें अच्छी चीज़ है, तो उसकी वजह से अभी वीडियोस अच्छे शूट करने में मज़ा आएगा। और फिर आगे भी चेक करते हैं इसमें और क्या क्या है वो सब चीज़ों पे भी। सो अभी मैंने RockSteady टेस्ट कर लिया है। RockSteady मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया था, मैं 2-3 दिन से मैंने ये सब इसके फीचर्स ही ढूंढ रहा था क्या क्या फीचर्स है। तो RockSteady ट्राई कर लिया, स्लोमो ट्राई कर लिया, थोड़े बहुत पिक्चर्स ले लिए और पिक्चर्स भी कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे। और अभी 2 ही बचा है, 2 ही मुझे फीचर जो टेस्ट करना है, एक है टाइम लैप्स है और एक हाइपर लैप्स बचा है, तो वो भी अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो टाइम लैप्स के लिए सबसे अच्छा तो सनसेट को कैप्चर करने के लिए मज़ा आता है, बट अभी तो सन तो है ही नहीं तो वो तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या बना सकते हैं, तो आगे देखते जाओ आप। सो अभी आज का हो गया, आज सब टेस्ट कर लिया, मज़ा आ गया और लोकेशन भी बहुत अच्छा था। तो आप देखो, आपको भी पता चलेगा ये कैमरा में बहुत कैपेबिलिटीज़ है और मज़ा आया। तो अभी थोड़े दिन बाद और अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।